आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 फरवरी की शाम बहुमत साबित करे कमलनाथ। मध्य प्रदेश में सियासत जारी है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सत्य की जीत होगी। बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय सिंह, चुनाव आयोग में दिग्विजय की शिकायत। देश में कोरोना वायरस के मरीज बढ़े, कोरोना से चौथी मौत, अब तक 15 लोग ठीक हुए। और कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट, कहीं पुलिस की नसीहत तो कहीं कोरोना की। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुमत साबित करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुक्रवार की शाम तक कमलनाथ अपना बहुमत सिद्ध करें। अदालत ने कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट के आदेश देने से पहले कहा कि यह एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। अदालत के इस फैसले के बाद कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश का सियासी बवाल अभी तक थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे दिन सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुमत साबित करने के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने अदालत से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाने की गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र फिर से बुलाया जाए। अदालत ने कहा कि कमलनाथ सरकार कल शाम 5 बजे तक बहुमत हासिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सदन की कार्रवाई का वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 विधायकों पर विधानसभा में आने का कोई दबाव नहीं होगा। अदालत ने कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुकुल रोहतगी से पूछा कि जब सेशन चल रहा हो तब क्या राज्यपाल एजेंडा तय कर सकते हैं। इस पर रोहतगी ने कहा कि अदालत में जितने मामलों का उदाहरण दिया गया सब में सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का एजेंडा तय किया था, आधी रात को सुनवाई करके भी किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि पहले विधायकों ने कहा था स्पीकर से मिलेंगे, लेकिन वे नहीं मिले। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब वे नहीं मिलना चाहते। विधायक कह चुके हैं कि इस्तीफा स्वीकार हो, नहीं तो हमें अयोग्य करार दें, हम हाउस में नहीं आएंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने 22 में से 6 इस्तीफे स्वीकार किए, सीएम ने भी फ्लोर टेस्ट की बात की, राज्यपाल ने भी स्थिति के आधार पर फैसला लिया, इसमें क्या विवाद है। उन्होंने कहा कि जब इन पर बनाई थी तो आधी रात को फ्लोर टेस्ट का आदेश मांग रहे थे, आज 2 हफ्ते का समय मांग रहे हैं। इस्तीफे पर फैसले का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, यह लोग चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आए, 2-3 हफ्ता बस बहस चले। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान पर कल शाम 5 बजे विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने के मुख्यमंत्री कमलनाथ को आदेश दिए हैं। क्या होगा कल, इस पर विस्तार से बात करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय से। अनुराग जी, क्या मायने हैं कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस समय बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है और बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि शिवराज सिंह ने जो याचिका दायर की थी उसके ऊपर फैसला आया है, तो बीजेपी के लिए प्रसन्नता का वक्त है। बीजेपी का ये कहना था कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए क्योंकि कमलनाथ के पास बहुमत नहीं है। कमलनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहुमत विहीन हो गए हैं, तो फ्लोर टेस्ट में क्या होगा ये बड़ा रोचक है कल का पूरा दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा है कि 5 बजे के पहले फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। तो 5 बजे के पहले तक अगर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति सुबह 10:30 बजे हाउस को बुलाते हैं और उसके बाद करते हैं तो दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद होता है दोपहर में करते हैं तो शाम तक आ जाएंगे, 4 बजे करते हैं, 5 बजे के पहले करना है। तो अब जो दौर है वो फिर वहीं आ गया कि 20 बॉल और 22 रन। तो अब बड़ा रोचक दौर में आ गया है। जो वनडे क्रिकेट का मजा है वो मध्य प्रदेश की राजनीति दे रही है, और कल का पूरा समय जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा मध्य प्रदेश के राजनेताओं की
विधायकों की सबकी सांसें ऊपर नीचे होती रहेंगी, और सबसे ज्यादा कमलनाथ जी की होंगी क्योंकि संकट में कमलनाथ जी हैं, उनके पास खोने के लिए और शिवराज सिंह के पास पाने के लिए। संकट में कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी की सांसें इसलिए भी कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि 16 विधायकों के ना आने और आने पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता उनको आने के लिए। देखिए राजनीति जो है वो तिक्रम वाली राजनीति रह गई शेफाली। उन्होंने क्या किया कि सिंधिया समर्थक 6 जो मंत्री थे इनको आउट कर दो तो इससे डर बैठेगा तो लोग लौट आएंगे, तो उन्होंने सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। अदालत ने इस पे भी संज्ञान लिया, अदालत ने क्या भाई 6 के लिए बाकी के नहीं लिए, कब तक आप करोगे, कब तक चाहते हो? तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि 2 हफ्ते में हो ही जाएगा, माने वो सिर्फ टालना चाहते थे चीज़ों को। अब ये है कि जो साफ साफ व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने कि बाकी के बचे हुए 16 विधायकों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो चाहें तो सदन में आए और वो चाहें तो सदन में नहीं आए, बहुत स्पष्ट है इससे। अब वो लोग, आपने कल का पूरा अगर बेंगलोर का ड्रामा आपने देखा, आपने सबको दिखाया दर्शकों को कि किस तरह से दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं मंत्रियों के साथ में और वहां हंगामा करते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, सियासी ड्रामा। भाई एक आदमी आपसे मिलना नहीं चाहता, मेरी आपसे मिलने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं मिलूंगा, इसमें आपका दबाव थोड़ी है कि मैं आपसे मिल लूं, और वो आपके बागी विधायक हैं, आपको इतनी चिंता थी तो आप 1.25 साल उनकी चिंता कर लेते, दिग्विजय सिंह चिंता कर लेते, कमलनाथ उनकी चिंता कर लेते। सरकार ने अगर 1.25 साल इनकी चिंता की होती तो आज इतना रायता कम से कम नहीं फैला होता, जो शब्द चल रहा है रायता फैला। सर आपने ये नोटिस किया कि जो रायता फैला वाला शब्द है, कमलनाथ जी की तो नींदे उड़ा दिया, दिग्विजय की नींदे उड़ा दिया, लेकिन शिवराज जी बड़े आश्वस्त होकर क्रिकेट खेलते नजर आए हैं। देखिए दो चीजें थी कल, आप देखें पूरे प्रदेश में एक प्रायोजित प्रदर्शन हुए, कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए, बीजेपी दफ्तर में आप देखे पत्थर फेंके गए, अंदर घुस गए, उत्पात मचाया कांग्रेस के लोगों ने, ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा नहीं है। तो एक तरफ पत्थर फेंक रहे थे, एक तरफ हंगामे कर रहे थे कांग्रेस के लोग, जिंदाबाद मुर्दाबाद गाली गलौज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह क्या कर रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने विधायकों के साथ, वो गाने गा रहे थे, वो मस्ती कर रहे थे, वो बैठ के कर रहे थे, गप्पे चल रहे हैं, चुटकुले चल रहे हैं। तो आप देखिए कि दो दृश्य थे, एक तरफ टेंशन, एक तरफ नो टेंशन। आप कुछ ऐसी आज दिन में बात कर रही थी आपने बुरे दिन में कि कहीं तनाव है कहीं तनाव नहीं है, तो वो दो दृश्य आप याद करिए कि शिवराज सिंह मस्ती में क्रिकेट खेल रहे हैं और कांग्रेस के लोग सड़कों पर हंगामे कर रहे हैं, तो उससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बैकफुट पे है, कमलनाथ की सरकार बैकफुट पे है। कमलनाथ ने जो अनदेखी की, मतलब किसी एक वर्ग की नहीं, किसानों के साथ आपने कहा 2 लाख देंगे, अभी तक वो 2 लाख किसी भी एक भी किसान के पास नहीं पहुंच पाया। बेरोजगारों से वादा किया, वो नहीं हुआ। आप देखें कि कुछ लोगों के नियमितीकरण का मसला था अध्यापकों के, वो आज तक धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे कई मसले हैं, बड़े कई मसले हैं। उसके बाद आपने माफिया के नाम पे आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के कमलनाथ के खिलाफ माहौल था, विधायकों के काम हो नहीं रहे थे, कमलनाथ की जो एक कोटरी है वो किसी को घुसने नहीं देती थी, विधायकों की मंत्रियों की सुनवाई होती नहीं थी, तो वो जो धीरे 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 जो बैर था वो अचार की तरह हो गया और एकदम से वो विस्फोट हुआ और कमलनाथ समझ भी नहीं पाए। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जो आपने देखा हो दिल्ली भेजा अपने बेटे को, जयवर्धन सिंह को, जीतू पटवारी को, दूसरे मंत्री को भेजा, और जिनको पकड़ के लाए कथित तौर पे, उनका कहना था हम तो बंधक ही नहीं थे। तो अगर विधायक गए हैं तो सबसे बड़ी गलती आपकी है, आपकी अनदेखी से गए हैं। अनुराग जी से चर्चा के दौरान ये तो साफ समझ आता है कि कमलनाथ ने अगर 1.25 साल सरकार ठीक से चलाई होती, गलत फैसले ना किए होते, लोगों से ना मिलते तो कम से कम अपने मंत्रियों से तो मिल लिए होते, तो शायद शिवराज इतने आश्वस्त नहीं होते। खैर कल का दिन मध्यप्रदेश के सियासी घमासान पर विराम भी लगाएगा और बेहद रोमांचक होगा। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्यप्रदेश के सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ मस्त थे। कभी विधायकों के साथ वो चर्चा करते नजर आ रहे थे तो कभी क्रिकेट खेलते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान का कहना है सत्य और न्याय की जीत होगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बहुमत साबित करने से बच रहे हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम आराम से हैं, विधायक आराम से हैं और आने वाले समय को देखते हुए जनता भी आराम से है। उन्होंने कहा सत्य की विजय होगी और न्याय की जीत होगी। कांग्रेस के वकीलों द्वारा 2 हफ्ते का समय मांगने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्या हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, बहाना बनाकर और कुछ नियुक्तियां कर दो, इसीलिए समय मांगा जा रहा है। आने वाले समय को देखते हुए मैं चालू आराम से सत्य की विजय हो, मैं चालू कर दो न्याय की जीत होगी। गाय के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं जी, अब वो जान गए संख्या बल उनके पास नहीं है जी, बहुमत खो चुके हैं,
जमीन पैर के नीचे से खिसक गई है जी। बस ये बहाना बना के और कुछ दिन काट लो और कुछ और नियुक्तियाँ कर दो जी, केवल इसलिए कर रहे हैं, लेकिन न्याय की और सत्य की जीत होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हम सबका विश्वास। एमपी के राजनीतिक भूचाल पर जमकर जुबानी तीर भी चल रहे हैं। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगर दिग्विजय सिंह ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ और किसानों की कर्ज माफी के लिए उपवास पर बैठते तो अच्छा होता। बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पूरे विश्व में कोरोना से मौतें हो रही हैं, कमलनाथ को कोरोना बचा रहा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बेंगलुरु में उपवास पर कहा, वे किसानों के कर्ज माफी, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के लिए प्रदेश में हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग के विरोध में अगर उपवास पर बैठते तो शायद अच्छा होता। दिग्विजय की पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ब्लैकमेलर और माफिया कौन है। कोरोना लोगों को मार रहा है, एकमात्र कमलनाथ जी से कोरोना बचा रहा है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उपवास पे अगर किसानों के कर्ज माफ के लिए बैठते तो शायद प्रदेश को अच्छा लगता। बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने के लिए बैठते तो शायद अच्छा लगता। लेकिन संविधान की हत्या करने वाले संविधान की बात करें, ये मन को अच्छा नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह बेंगलुरु जाकर 16 विधायकों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु के रिसोर्ट में पहुंचे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार के 8 मंत्रियों ने बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की, लेकिन विधायकों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस बारे में एक ज्ञापन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में चुनाव आयोग से भाजपा ने कहा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 16 विधायकों को अपने पक्ष में वोट देने हेतु प्रभावित करने और दबाव डालने के लिए 8 कैबिनेट मंत्रियों और अन्य लोगों के साथ बेंगलुरु गए। ये 16 विधायक इस समय बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाने के लिए सभी 16 विधायकों से मिलने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि दिग्विजय सिंह जी पब्लिक के साथ यहाँ पर मिलने आए हैं। अगर इतनी चिंता थी तो शुरू से वो दिग्विजय सिंह जी थोड़ा बड़ा दिल कर लेते ना, शायद इतना बड़ी नौबत अभी पैदा नहीं होती है। मैं अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से यहाँ पर रह रहा हूँ और मुझे अभी उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई आवश्यकता महसूस हो रही है। मैं अपनी मर्जी से स्वतंत्र में त्याग पत्र दे चुका हूँ और उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। विधायकों ने वीडियो जारी कर कहा कि वे दिग्विजय सिंह से मुलाकात नहीं करेंगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों के साथ धरना दिया और स्थानीय प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की। भाजपा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होने के नाते विधायकों पर दबाव बनाना और प्रभावित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने विधायकों से जबरिया मिलने का प्रयास किया है। विधायक दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते हैं, वे एन के एन प्राकरण विधायकों पर दबाव डालकर अपना हित साधना चाहते हैं, जो कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। ये उनका गैर कानूनी प्रयास था, क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। संक्रमित लोगों की संख्या 180 के पार हो गई है। अब तक 15 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस बीच सरकार ने कोरोना से बचने के बचाव पर ध्यान देने की अपील लोगों से की है। कोरोना से महाराष्ट्र में पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 49 हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना से पीड़ितों की संख्या 180 को पार कर चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक कुल 4 मौतें हो चुकी हैं। आखिरी मौत पंजाब में हुई है। कोरोना के चलते कर्नाटक और कलबुर्गी जिले में धारा 144 लगा दी गई है। अब किसी भी हाल में लोग एक जगह एकजुट नहीं हो पाएंगे। कोरोना वायरस के चलते कश्मीर में ट्रेन सेवा सस्पेंड कर दी गई है। कोरोना की चपेट में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला शख्स भी आ गया है। हाल ही में उसकी बहन दुबई से आई थी, उसकी बहन भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी है। परवेज नाम के इस युवक को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह शख्स सीए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में भी शामिल रहा है।
कोरोना वायरस के चलते हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने सूबे की सभी सब्जी मंडियों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने निजी व सरकारी बसों, ऑटो रिक्शा और टेम्पो को शुक्रवार रात 12 बजे से बंद करने का ऐलान किया है। आरबीआई ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है। इस दौरान किसी भी बड़े मसले पर अगर बैठक करनी होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया है। एक युवती में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसे माता पिता के साथ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। युवती की उम्र करीब 23 वर्ष की है और हाल ही में उसने लंदन की यात्रा की थी। इन्हें रायपुर एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर सिम्स के कोरोना ओपीडी में गुरुवार को मुंबई से लौटे शहर के एक युवक में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। वहीं ब्राजील और सिंगापुर से पहुंचे दो दो लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश देते हुए निगरानी में रखा गया है। अब तक जिले में एक भी कोरोना से ग्रसित मरीज नहीं मिला है, लेकिन कई संदिग्ध मरीजों का पता चला है। बीती रात एम्स के आइसोलेशन वार्ड में एक युवती को कोरोना पॉजिटिव होने पर भर्ती कराया गया। इस युवती के माता पिता को भी एहतियातन अस्पताल में रखा गया है। युवती की उम्र करीब 23 वर्ष है और हाल ही में उसने लंदन की यात्रा की थी। रायपुर एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर करण पिपरे का कहना है कि अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पीड़ित युवती को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एहतियातन माता पिता को भी अस्पताल में ही रखा गया है। इधर जिस जगह यह परिवार निवास करता है उस स्थान को भी सील कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। रायपुर सहित प्रदेश भर के स्वास्थ्य अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने बंगले पर ही आपात बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। परमिशन दे भी दी गई है और भी टेस्टिंग लैब्स क्या हम छत्तीसगढ़ में भी रख सकते हैं एम्स के अतिरिक्त, उसके लिए भी आईसीएमआर को हम लोगों ने लिख के 3 जगह और के लिए हमने मांग भी की है और निजी क्षेत्र में भी टेस्टिंग के लिए बात चल रही है। तो जो NABL एक्रेडिटेशन के लैब्स हैं, उस स्तर के जो लैब्स हैं, उस मान्यता के जो लैब्स हैं, उनमें भी कुछ के लिए परमिशन आ सकती है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय क्षेत्रों के सभी मॉल, चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थायी ठेले तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को आदेश जारी किए हैं। उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराए पर उपलब्ध कराए जाने वाले PG को भी खाली कराया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिका निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो। देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में।
क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर भोपाल पुलिस ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। पुलिस ने लोगों को सावधान करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति घर में आकर दवा का छिड़काव या अन्य तरीके से घर में घुसने की कोशिश करे तो उसको घुसने ना दें। पुलिस का कहना है महानगरों में कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर लोग अपने आप को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बताकर घर को सैनिटाइज करने के बहाने वारदात कर रहे हैं। इधर विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को DIG इरशाद वली ने कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया है। DIG इरशाद वली ने बताया कि लोगों से अपील है कि वे सैनिटाइजेशन करने के नाम पर अनजान लोगों को घर के अंदर प्रवेश ना दें। शहर में नगर निगम द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। बुधवार को भी निगम अमले ने शहर के कई क्षेत्रों में छिड़काव किया। उधर BCLL ISBT परिसर द्वारा थर्मल स्कैनर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बीते 4 दिनों में 1600 लोगों का थर्मल स्कैनर किया गया है। कोरोना वायरस के कारण चिकन के व्यवसाय में 50% तक की गिरावट आ गई है। कोरोना वायरस के डर से लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण 30% तक अंडे का व्यवसाय भी कम हुआ है। लोग कोरोना वायरस के कारण अंडे भी खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर कांग्रेस ने BJP पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस ने बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार करने की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है। ग्वालियर हजीरा चौराहे की स्टेट बैंक पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो हो रहा है वह लोकतंत्र की हत्या है। विधानसभा अंतर्गत स्टेट बैंक चौराहे पर आज जो बेंगलुरु में घटना घटी है, हमारे मध्य प्रदेश शासन के 6 मंत्री और 6 MLA और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद राजा दिग्विजय सिंह जी के साथ आज जो बेंगलुरु पुलिस ने जो भाजपा ने कृत्य किया है उसके विरोध में आज हमने यहां तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के कई विधायक और मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर भोपाल के संत नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। सत्ता पाने और राज्यसभा में जाने की होड़ के बीच शुरू हुई सियासत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के कई मंत्रियों विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक भाजपा सरकार के खिलाफ संत नगर भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा का पुतला जलाया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानक चंदनानी ने कहा कि हमारे कांग्रेस के नेता जब बैंगलोर में कांग्रेस के विधायकों से गांधीवादी तरीके से मिलना चाह रहे थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया और ना ही उन्हें बंदी विधायकों से बात करने दी गई। उल्टा यहां से गए कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हम भाजपा नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आखिर किस आधार पर कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। जो कर्नाटक सरकार द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को जिस प्रकार से गिरफ्तार करके और उन्हें अपना बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कांग्रेस के 22 विधायकों को बंधक बनाया गया है उनसे नहीं मिलने दिया गया, यह मैं समझता हूँ आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। एक आदमी जो राज्यसभा का उम्मीदवार है जिसका चुनाव 26 मार्च को होने जा रहा है उन्हें अपने मतदाताओं से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज पूरा देश देख रहा है कि प्रजातंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा कि कर्नाटक जब हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनिंदा सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ उन 16 विधायकों से मिलने जब कर्नाटक पहुँचे तो उन्होंने होटल से भी पूर्व में 5 किलोमीटर दूर उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की, उनसे दुर्व्यवहार किया। वो कर्नाटक पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, मोदी और येदुरप्पा के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
सिवनी के लखनादौन में गणेशगंज से गुंगवारा रोड पर दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से एक बाइक तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। जानकारी अनुसार गणेशगंज के गुंगवारा की ओर जा रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सामने से आ रही एक दूसरी मोटरसाइकिल से भिड़ गई, जिससे एक गाड़ी में सवार तीन लोगों में से दो लोगों की हालत गंभीर है। वहीं दूसरी सड़क पर सवार गाड़ी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सहायता से 108 पर सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचते देख प्राइवेट गाड़ी से लखनादौन अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं घटना की जानकारी तुरंत ही 100 डायल को देने के बाद वह अपने गंतव्य स्थान लखनादौन से लगभग आधे घंटे बाद पहुंची। तब तक घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। एक्सीडेंट हो गया? कैसा एक्सीडेंट हो गया था? वो टू व्हीलर भिड़ गई थी। कैसे करके? जी, यहाँ से गणेशगंज से जा रहे थे और वो लड़का भी वहाँ से आ रहा था। तो किसी को गंभीर चोटें आई हैं? हाँ, गंभीर चोटें, वो एक सुक्को भाई को और वो पहलाद को, पन्ना लाल को। बिहार से आया युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। वो क्यों टावर पर चढ़ा उसने नहीं बताया, लेकिन पुलिस को टावर से युवक को उतारने में 21 घंटे लग गए। छतरपुर के ईशान नगर थाना क्षेत्र में बिजली के हाई टेंशन वायर के टावर पर एक युवक चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने उससे सकुशल 21 घंटे बाद उतार लिया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया था। पुलिस को सूचना दी गई कि शाम 5 बजे से एक युवक पहाड़ गांव के एक खेत में लगे बिजली कंपनी के 11,000 केवी के टावर पर चढ़ गया है। वह अपने आप को बिहार का बता रहा है और अपना नाम दीपक चौधरी बताता है। सूचना लगते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक लोगों को धमकाता रहा कि कोई अगर इस टावर पर चढ़ेगा तो वो उसे गिरा देगा। प्रशासन की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उसे बिजली कंपनी के अधिकारियों ने नीचे उतार लिया। यह युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और परेशानी के चलते टावर पर चढ़ गया था। मॉर्निंग में जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एसी साहब हैं, उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि आपकी लाइन में 800 केवी की HVDC लाइन है, ये अंतर राज्यीय लाइन है, ये चांपा से लेके कुरुक्षेत्र पावर ट्रांसमिट करती है। और ये हमको सुबह मॉर्निंग में हमको 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली। हम लोग वहाँ से तुरंत छतरपुर TLM टीम, हमारा जो ऑफिस है, पूरा स्टाफ लेकर के यहाँ पे पास में आए और ऊपर इन्फॉर्म किया। RTMC जो हमारा केंद्र होता है उनसे कह के ये लाइन बंद कराई, और लाइन बंद कराने पूरी सुरक्षा के उपाय किए गए, नेट सेफ्टी नेट वगैरह सबको मंगाया गया। लेकिन उसके बाद में उस आदमी को पूरी तरह से मोरली कॉन्फिडेंस में लिया, उसके विश्वास में लिया, उसकी बातें की क्या ग्रीवियंस है, उसमें ग्रीवियंस पकड़ा गया और उसको विश्वास दिया गया, तो वो आराम से अपने आप ही स्वतः नीचे आ गया। कल से 6 बजे चढ़ गया इसके ऊपर, और जब सुनने को मिला कि कोई इसके ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है तो देखने आए, तो पता नहीं बोल रहा है कि मैं बिहार का हूँ, किस जिले का रहने वाला है, ये क्लियरिटी नहीं बता रहा वो। ये तो सही नहीं है। और कल ही से हम लोग सभी लोग थाना प्रभारी जी, तहसीलदार साहब, हम लोग सभी लोग लगे हुए उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में सरकारी जमीन को बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। सरकार ने रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था के तौर पर पट्टे बांटे थे, जिसे लोग अपनी जमीन बताकर बेचना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण आए दिन क्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी रहती है। छिंदवाड़ा के चंदामेटर नगर के अंतर्गत नाली के पानी की निकासी को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने शासकीय जमीन का पट्टा बनाकर लोगों को रहने के लिए दिया था, लेकिन लालच में आकर कुछ प्रशासन के लोगों से साठगांठ करके लोगों ने शासकीय जमीन को बेचना शुरू कर दिया। लोग शासकीय जमीन को अपनी बताकर दूसरों के घरों की निकासी रोक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें शासकीय जमीन से दबंगों द्वारा पानी की निकासी रोक दी गई, जिसके कारण क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया। आए दिन लोगों के बीच विवाद और मारपीट की स्थिति बनी रहती है। पानी की निकासी रोके जाने से पीड़ित परेशान हो रहे हैं। उसने हर जगह गुहार लगाई और नगर निगम परिषद में भी इसकी शिकायत की, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। समस्या थी, उसको लेकर के हमने CMO के पास पिछले 2 सालों से हम आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर CMO साहब हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमको ये बोलता है कि आपकी व्यवस्था है, आप खुद देख लें। उसके बाद हमने थाना प्रभारी चंदामेटर को आवेदन दिए, थाना प्रभारी ने हमको 2 दिन घुमाते रहे। उसके बाद जब वहाँ पर हमारी कोई एक्शन नहीं हुई, फिर हम SDM कोर्ट गए, SDM कोर्ट में हमने आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद तो कोई निराकरण नहीं हुआ, उस दिन SDM साहब नहीं बैठ पाए, मैं पूरे टाइम बैठा रहा। फिर उसके शाम को वापस आ गया, फिर उसी दिन मैं गया SP साहब के पास, पुलिस अधीक्षक माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देकर के आया, तब जाकर के प्रशासन हलाकान मतलब हरकत में आया। 12 का जो जमालुद्दीन और वो भाई, इसमें जो विवाद है वो मेरे पास 2-3 बार आ चुका है विवाद,
और मैं उस विवाद को ख़त्म करने के लिए स्पॉट पे भी गया, लेकिन स्पॉट पे जाने पर ये होता है कि वो आपस में फिर वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और समझौते की स्थिति बनती नहीं है। इधर उधर क्यों घूमते हो, फैला है जग में कोरोना, एक बार में तन से चिपक जाएगा तू जग से निपट जाएगा, फैला जग में कोरोना। ये भी एक अंदाज है कोरोना के प्रति सजग करने का। सभी के लिए मुसीबत बन चुका कोरोना महामारी का रूप ले चुका है, कई जाने पूरे विश्व में जा चुकी हैं। इस बीमारी का पहला इलाज सतर्कता है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, घर पर रहें। डॉक्टर बार बार ऐसी सलाह दे रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश का एक ग्रामीण किसान कोरोना को अपने ही अंदाज में समझाते नजर आ रहा है। जो लोग कोरोना के खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं वो शायद इस गाने को सुनने के बाद अच्छे से समझ पाएंगे। तो सुनिए कोरोना गीत। अरे इधर उधर क्यों घूमते हो, फैला है जग में कोरोना, फैला है जग में कोरोना। इधर उधर क्यों घूमते हो, फैला है जग में कोरोना, फैला है जग में कोरोना। पल भर में तन से चिपक जाएगा तू कुछ दिन में जग से निपट जाएगा। इधर उधर क्यों घूमते हो, फैला है जग में कोरोना, फैला है जग में कोरोना। घर पर ही चुप बैठो, टीवी पर सब देखो, कुछ दिन में माहौल सुधर जाएगा। मोदी ने तुमसे कहा स्वच्छ रहने को, उनका कहा तुम भी मानो ना। बचर बचर क्यों बोलते हो, मास्क मुख पर तुम कुछ दिन लगा लो ना, लगा लो ना। पल भर में तन से चिपक जाएगा तू कुछ दिन में इस जग से निपट जाएगा। इधर उधर क्यों घूमते हो, फैला है जग में कोरोना, हर फैला है जग में कोरोना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।